हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने यूट्यूब चैनल को ऑपरेट करते हैं, मतलब आपके पास कोई भी पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 यूज़फुल और इम्पोर्टेंट ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप 10 नहीं रख सकते तो कम से कम 5 या 6 इसमें से आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें अपना पूरा पूरा सपोर्ट करें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको सारी एप्लीकेशंस के बारे में प्ले स्टोर से ही बताता हूँ, वहाँ पे आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर रखनी चाहिए। तो हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है टैग यू एप्लीकेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग यू एप्लीकेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी वीडियो के कीवर्ड देखने हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और उन कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं और उन्हें अपनी वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी वीडियो के आप कीवर्ड्स देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, अगर आप जानना चाहते हैं कोई वीडियो वायरल हो गई है तो आप उसके कीवर्ड्स देखना चाहते हैं तो वो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उन्हें कॉपी कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन के बारे में, तो उसका नाम है यूनिवर्सल कॉपी एप्लीकेशन है दूसरे नंबर पे। इसमें आप इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई YouTube पर वीडियो सर्च कर रहे हैं और आप कुछ टाइप कर रहे हैं कि हाउ टू मेक यूट्यूब, आपने इतना ही लिखा और उसमें नीचे सजेस्टेड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको वो जो जितने सारे कीवर्ड्स आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, लाइनें दिखाई देती हैं, उन सबको आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं। मतलब आप यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी सजेस्टेड कीवर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं उनको आप एक साथ इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर की जो एप्लीकेशन है वो है ट्यूबबडी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये आप लैपटॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में चलती है ये। और इस ट्यूबबडी का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ उसके आप रैंकिंग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उस पर एक वीडियो बनाना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप तरह तरह के यहाँ पे जो आप वीडियो टॉपिक्स बनाना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, लोग उन्हें कितना ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्यूबबडी से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ट्यूबबडी अच्छा नहीं लगता तो इसका रिप्लेसमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं विड आई क्यू। भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 3 यहाँ पे सजेशन मिलते हैं, टॉपिक्स मिलते हैं वीडियो बनाने के, ये ऑटोमेटिक फ्री में आपको देता है। डेली के डेली आपको यहाँ से 3 टॉपिक्स मिलेंगे जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही मिलेंगे आपके, क्योंकि इसमें लॉगिन करेंगे आप तो अपना ही आईडी पासवर्ड अपना चैनल डालेंगे तो आपके चैनल से रिलेटेड ही यहाँ पे टॉपिक्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे भी आप ओवरऑल स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आप विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को, जैसे आप ट्यूबबडी में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम भी आप पता कर सकते हैं कि मतलब आप किस टाइम डालेंगे तो वीडियो आपकी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डाल के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है नोटपैड।
ये भी काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। नोटपैड एप्लीकेशन का यूज़ काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मान लीजिए कि आपको आपने किसी टॉपिक पर वीडियो बना दी डाल दी, अब उसके बाद आपके माइंड में रहता है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या वीडियो बनाऊंगा। तो मान लीजिए आपने यूट्यूब पे कोई 3-4 वीडियोस देखी और आपको ऐसा लगा कि मुझे इन 3-4 वीडियोस के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आपको वो ध्यान ना रहे तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपको इस नोटपैड के अंदर उन्हें लिख लेना है। इसमें आप सेव कर सकते हैं, कोई आपको टेक्स्ट पसंद आ गए तो वो भी आप यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखना हो वो भी आप इसमें रख सकते हैं लिख के, ठीक है। तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने ये वाली वीडियो बना ली है या नहीं बनाई है, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। अब बात करते हैं थंबनेल बनाने के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक शानदार एप्लीकेशन बताता हूं जिसका नाम है कैनवा एप्लीकेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि कैमरा पे आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थंबनेल आप बना सकते हैं जो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ फ्री टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक से एक टेम्पलेट हैं यहाँ पे हर कैटेगरी से रिलेटेड आपका, चाहे गेमिंग का चैनल हो, फूड का चैनल हो, टेक का चैनल हो। यहाँ पे फिल्टर, स्टिकर, इफ़ेक्ट्स दुनिया भर के आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो में आप एडिट भी कर सकते हैं, मिलियन ऑफ फ्री वीडियोस, ऑडियोस सब कुछ है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है अगर आप इसे थंबनेल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कैनवा से नहीं बनाना चाहते तो इसमें एक और एप्लीकेशन है, वो है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन, इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी आप कैनवा की तरह ही काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे स्टिकर्स हैं, इसमें बैकग्राउंड रिमूवल भी है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इससे भी आप काफ़ी अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। अगर ये भी आपको पसंद नहीं आता तो इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो मैं आपको बताता हूँ, पिक्स आर्ट, ठीक है। पिक्स आर्ट से भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सेम इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे कैनवा और पिक्सल लैब में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर के एप्लीकेशन के बारे में, तो वो है हमारी लाइट रूम। जी हाँ, लाइट रूम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैनवा से कोई थंबनेल बनाया है, पिक्सल लैब से कोई थंबनेल बनाया और आपको उसकी क्लैरिटी थोड़ी कम लग रही है, तो आप इस एप्लीकेशन से, लाइट रूम से उसे थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं। उसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसके कलर में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये वाली पिक है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने जो थंबनेल है उसको थोड़ा सा पॉपअप कर सकते हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिटिंग के बारे में, तो एडिटिंग करने के लिए सबसे अच्छी एप्लीकेशन जो है वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर एप्लीकेशन है जो, जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं अपनी वीडियो को। उसमें आपको कुछ भी चेंज करना हो, ट्रिम करना हो, उसमें इफ़ेक्ट्स लगाने हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और अगर आपको ये काइनमास्टर पसंद नहीं आती तो एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर डायरेक्टर के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे भी काइनमास्टर की तरह ही ये सेम वर्क करती है। आप इससे अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, इसमें ट्रिम कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। जो भी आपको यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वीटा, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आती, वैसे शॉर्ट वीडियो आप पावर डायरेक्टर और काइनमास्टर में भी बना सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वीटा से ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं। तो आप वीटा यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका वाटरमार्क भी नहीं आता कोई भी, ठीक है। तो नो वाटरमार्क ऐप है ये, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीन एप्लीकेशन बता दी एडिटिंग की, इनमें से आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एट्थ नंबर की एप्लीकेशन के बारे में और आपकी ऑडियो एडिटिंग के बारे में। तो नंबर एट पे जो आती है वो एप्लीकेशन है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसमें लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अपनी ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं, उसकी पिच हाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियो को एक बेटर क्वालिटी देने के लिए, ठीक है। तो इसे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप भी चाहें तो ऑडियो एडिटिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ नंबर की एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, जैसे मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई, तो इस तरीके की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है स्क्रीन रिकॉर्डर की। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रिकॉर्डर है वो है एक्स रिकॉर्डर।
एक्स रिकॉर्डर के अंदर आप स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर साउंड मिलती है, नो लैग, कोई लैग नहीं मिलता आपको। वन टैप फॉर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो वो वन टैप में मिल जाता है। हाई क्वालिटी और क्लियर साउंड मिलती है आपको। पावरफुल एडिटिंग टूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कैमरे के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए। और अगर आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके रिकॉर्डर में कोई ऐड नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला रिकॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम फंक्शन है इसके भी। अब जो 10th एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है और आपके ऐप फ़ोन के अंदर होनी ही चाहिए। उसके बिना आपका चैनल का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम है YT स्टूडियो एप्लीकेशन। तो ये YT स्टूडियो एप्लीकेशन आपके सामने आ गई, ठीक है। तो ये वाली एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है आपके, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी वीडियो की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह वीडियोस आप सारी देख सकते हैं, जैसे आप लैपटॉप में देखते हैं। यहाँ पे आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं, कमेंट्स, एनालिटिक्स सब कुछ देख सकते हैं अपनी वीडियो का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके यूट्यूब चैनल के लिए। तो ये मेनली 10 वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके यूट्यूब चैनल के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में होनी ही चाहिए। मैंने आपको सारी अच्छे से डिटेल में बता दी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा कि वो 10 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी हैं जो आपको आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और आपके मोबाइल फ़ोन में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।